तो अब ट्रेन से कोरोना सफर करने लगा है। जी हाँ, कोरोना अब ट्रेन से बिहार पहुंच रहा है, इससे सावधान हो जाइए, क्योंकि कल से ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो रहा है। पूरे देश में 15 शहरों से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। रेलवे ने 15 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया है। पटना से भी 2 ट्रेनें रोज खुलेंगी, तो ट्रेन से सावधान रहिएगा, क्योंकि ट्रेनों से ही कोरोना बिहार पहुँच रहा है। श्रमिक ट्रेनों की जब से शुरुआत हुई है, बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ गया है, और कोरोना देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रेन के जरिए बड़े पैमाने पर बिहार पहुंचने लगा है। रविवार को राजस्थान के रेवाड़ी जिले से 1267 मजदूरों को लेकर एक श्रमिक ट्रेन बिहार के खगड़िया स्टेशन पहुंची। खगड़िया स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग की, जिसमें 17 मजदूरों को बुखार के लक्षण पाए गए हैं, यानी ये संदिग्ध हैं, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरी खबर ये है कि बिहार के नालंदा जिले में भी एक बार फिर से कोरोना की वापसी हो गई है, और कोरोना की वापसी प्रवासी मजदूरों के जरिए हुई है। कोरोना का चेन टूटने के बाद फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और 11 नए केस सामने आ गए हैं। रविवार की शाम आई रिपोर्ट में 11 नए केस मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पाँव फूल रहे हैं। जिले के नगरनौसा, सिलाव, अस्थावा, एकंगरसराय, राजगीर, धरनौत के बाद अब चंडी और कराय पशुराय में भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कल 55 प्रवासियों का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया था, जिसमें से 11 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो जिस तरह से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, रोज 20,000 से ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ विशेष ट्रेनों से आ रहे हैं और कुछ पैदल आ रहे हैं, और उनकी जाँच हो रही है, तो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनकी वजह से बिहार में संक्रमण की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। तो मानकर चलिए कि अब बिहार में प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ कोरोना का आगमन भी शुरू हो गया है, और ये प्रवासी मजदूरों की संख्या लाखों में है। अगर 5 लाख भी प्रवासी मजदूर बिहार में आ जाते हैं, तो बिहार के विभिन्न शहरों में जाएंगे, गाँवों में जाएंगे और कोरोना के संक्रमण को फैला देंगे, क्योंकि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के नाम पर केवल थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, और थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किसी को कोरोना का संक्रमण है या नहीं है, क्योंकि जब बुखार होगा तभी एक थर्मल स्क्रीनिंग काम आएगा, लेकिन अगर बुखार न हो तो फिर कैसे पहचान हो कोरोना संक्रमितों की। तो कई रिसर्च सामने आ चुके हैं, कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, जहाँ पर कई लोगों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया गया, लेकिन वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। ऐसे में रोज 20,000 मजदूरों का प्रॉपर ढंग से स्क्रीनिंग करना भी आसान काम नहीं है, और ये जो मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। एक स्कूल में कितने वाशरूम होंगे और कितने कमरे होंगे, तो एक कमरे में 10-10 लोगों को रखा गया है, और एक चापाकल से सैकड़ों लोगों को काम चलाना पड़ रहा है। 2-3 जो वाशरूम हैं उससे सैकड़ों लोगों को काम लेना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो संक्रमित नहीं हैं उनके संक्रमित हो जाने का खतरा बहुत पैदा हो गया है। आपको पता है कि नवादा में ऐसे ही एक प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव आ गया था, और बाकी दूसरे जो मजदूर थे क्वारंटाइन सेंटर में डर से भाग गए थे। तो कोरोना का संक्रमण कहीं क्वारंटाइन सेंटर में न हो जाए, इस बात का ध्यान भी रखना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों को भी देखना चाहिए, उन लोगों के लिए भी है जो क्वारंटाइन सेंटर में समय गुजार रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो लगातार बिहार सरकार पर प्रवासी मजदूरों को नहीं बुलाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे थे। तो कोरोना का संक्रमण प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ बिहार में बढ़ गया है, और स्थिति विकराल है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, और आप तक खबर सबसे पहले तभी पहुंचेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे।